चरितं पक्वबिम्बाधिरूपिणि चरणमयि वयस्मास्कन्धवीन्यस्तहस्तो निभुवन्दशपुञ्जं जातिराधारिपुण्यम्। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संहितं नृसिंहमहमदे विश्वसर्गविसर्गादिर्नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धामनामि। जय श्रीरूप सनातन भक्त रघुनाथ श्रीजी गोपाल भक्त दास रघुनाथ हे छय गोसाई करि चरण वंदन जामित विघ्ननाश अभीष्ट पुरन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की श्रीमनित्यानंद प्रभु की श्री अद्वैत प्रभु की श्री गदाधर प्राणनाथ की श्रीवास पंडित की सकल आचार चरण की ब्रजरानी राधा रानी की श्री गिरिंद बिहारी बिहारिणी सरकार की श्री श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि। मिलाप पुष्पांजलि श्लोक संख्या 85। कुसुम चयन खेलां कुर्वती त्वं महिता दश कुटिल सखी प्राणनाथेन सार्धम् कपट कलह के ल्या क्वापि रोषेण भिन्ना मम मुदमति बेलं धास्ये सुव्रते किम्। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी प्रिया जी के एक अद्भुत लीला का स्मरण कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हे सुव्रते सुंदर व्रत धारण करने वाली प्रिया जी क्वापि कस्मिन दिने किसी समय रस कुटिल सखी भी परिता रसवती सखियों के साथ रसेन कुटिला कपा कपा कपटिन्यु जा जो रसवती ललितादि सखियों के साथ आप परिवेष्टित होकर के साथ में रह करके कुसुम चयन खेलाम पूर्वती प्रिया जी की प्रत्येक खेल प्रत्येक क्रिया केवल प्यारे श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए होता है। तो कुसुम चयन खेलाम पूर्वती कुसुम चयन खेल को कुर्वती प्राणनाथेन सार्धम अपने प्राण प्रिय श्याम श्याम सुंदर के साथ कपट कलह केला
झगड़ा में भी रस की निष्पत्ति करती है प्रिया जी, करती है कपट कलह के लाम। लक्ष्य है प्यारे श्याम सुंदर को रस निष्पन्न करना, लेकिन कपट से कलह करती है। मृषा कलह हस्ते न जा अकेली क्रीड़ा त्या, ऊपर से तो कलह कर रही हैं और भीतर से प्रेम। कोपे न त्यक्त स्वभावा सती, किम अतिबेलम मम मुदम ध्यासे। जब आप रोष में रसवती होकर के प्यारे श्याम सुंदर से कलह करेंगी तो वह सुख क्या मैं देख पाऊंगी, या उस अत्यधिक जो आनंद है उस आनंद का मैं क्या रसास्वादन कर पाऊंगी। गत श्लोक में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कान और नेत्र दोनों को आनंद देने वाले दो प्रकार का जो रस है उस रस का आस्वादन किए। समस्त वेद शास्त्र पुराण में जीवों के लिए उद्बोधन है कि प्रिया जी के प्रत्येक लीला या प्यारे श्याम सुंदर की जो लीला हुई है जगत में, जगत वासियों के चित्त को आकृष्ट करने के लिए ही हुई है। हम लोगों का मन जो भगवत भजन से विरत हो गया है और संसारिक चर्चा में जो मत हो गए हैं, वही भव सागर का कारण है। भाव में हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, इसका मुख्य कारण है हमारा नेत्र और कान दोनों खराब हो गया। हम कान से श्री कृष्ण की कथा न सुन करके संसारी कथा सुनते रहते हैं और नेत्र से प्रियालाल के दिव्य माधुरी को छोड़ करके संसारी के द्रूप दर्शन में लगे हुए हैं। जहाँ तक कि ब्रज सुंदरियाँ एकमात्र प्रिया प्रियतम के दिव्य चरण कमल पाने के लिए ही ललायत रहती हैं, स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन भी इस प्रेम परायण ब्रज सुंदरियों के रीढ़ी हो जाती हैं, जो हमेशा रस की चर्चा करता है, जिसका मन सदैव प्रियालाल के दिव्य लीला में निमग्न रहता है, वैसे जीवों के लिए भगवान श्री हरि भी रीढ़ी बन जाते हैं। भगवान रीढ़ी हो जाते हैं जो उनकी लीला कथा हमेशा सुनता रहता है। अनिल का कथा अपने ब्रजेंद्र नंदन, अन्य लोगों की क्या कहे, साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण भी जगत में अवतार लेकर के अपनी ही कथा सुनते रहते हैं। जहाँ कहीं भी भागवत की कथा होती है या रस परक रस की चर्चा होती है तो प्यारे श्याम सुंदर किसी न किसी रूप में आकर के इस रस का स्वादन करते रहते हैं। और खास करके महाप्रभु का जो अवतार हुआ है रस चर्चा के लिए, वो रस चर्चा ही श्री कृष्ण का भोजन है। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी आज प्रिया जी की लीला का स्मरण कर रहे हैं कि स्वामिनी पुष्प चयन का आस्वादन कर रही, फूल तोड़ती, किसके साथ पुष्प तोड़ रही हैं तो रस कुटिला सखियों के साथ, ललिता विशाखा जो अष्ट महासखी हैं, इन सखियों का मुख्य लक्ष्य है रस की निष्पत्ति करना, प्रेम रस निर्यास और फिर उसका स्वादन करना। जगत में सखियां इसीलिए आती हैं, फूल तोड़ती हैं, और फूल तोड़ना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है प्यारे श्याम सुंदर को प्रसन्न करना। बहुत विविध क्रीड़ाओं के द्वारा प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को प्रसन्न करना चाहती हैं। प्रेमेर परम सार, ये प्रेम की अधिष्ठात्री देवी प्रिया जो हैं, महाभाव स्वरूपा हैं, तो एक इनका लक्ष्य केवल यही है कि हम प्यारे श्याम सुंदर को आनंद प्रदान करें। महाभाव मन को स्वस्वरूप स्वरूपतः जो प्राप्त होता है जो लीला, इसको महाभागवती ब्रज सुंदरियाँ ही इसका आस्वादन करती हैं। सखियों के अतिरिक्त इस रस का आस्वादन अन्य लोग कर ही नहीं सकते हैं। इन सखियों का मन बाणी चित प्रत्येक इंद्रियां केवल कृष्ण रस की आस्वादन करने के लिए ही हैं। वास्तव में ये सब ब्रज गोपियां महाभागवती,
ये साधारण नहीं है। ब्रह्मा उद्धव शिव प्रभृति जितने भी महापुरुष लोग आते हैं ब्रज में, तो ब्रज में श्री कृष्ण की आराधना कम करते हैं, ब्रज गोपियों की आराधना करते हैं, क्योंकि बिना ब्रज गोपियों की आराधना किए कृष्ण रस प्राप्त नहीं हो। कृष्ण रस यदि कोई प्राप्त करना चाहता है तो गोपियों की आराधना पड़ेगा। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणा, नंद गांव की जितनी भी ब्रज गोपियां हैं उन ब्रज गोपियों का चरण रज मिल जाए तो उस चरण रज को प्राप्त होते ही प्यारे श्याम सुंदर की लीला स्वतः स्फुरण होने लगता है। इसीलिए ये गोपियां कहाँ कौन है, खास करके साक्षात ब्रजरानी राधा रानी कौन है, तो कहते हैं महाभाव स्वरूपिणी। उनको नख से सिख तक, सिख से नख तक केवल प्रेम से परिप्लुत है, प्रेम से ही बनी हुई, इनका स्वभाव केवल प्रेम ही। हमारे जितने भी आचार्य गण हैं, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, या जितने भी रसिक ग्रंथ रसिक महापुरुष हैं, इस लीला को बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किए हैं। पुष्प चयन लीला, पुष्प चयन करते हैं, जैसे भगवान राम भी पुष्प तोड़ने के लिए पुष्प वाटिका में जाते हैं, वैसे ये वृंदावन का भी एक नित्य रहस्यमय लीला है, पुष्प चयन लीला। जैसे गिरिराज जी में आप लोग जाते हैं तो वहाँ कुसुम सरोवर है, या कुसुम सरोवर का नाम ही इसीलिए पड़ा कि यहाँ प्रिया जी पुष्प तोड़ती प्यारे श्याम सुंदर के। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि राधा माधव पुष्प चयन को लेकर के कलह किया है, जिसका माधुर्य रसराज में अतुलनीय। इसका वर्णन है कि एक बार प्रिया जी किशोरी जी प्रकट हुई, सुबह सुबह उठी और उठ करके प्यारे श्याम सुंदर की याद आए, तो उनका हम दर्शन कर कैसे जाएं, कोई तो कारण चाहिए, अचानक तो उनके पास हम जा सकते नहीं है, तो उनके पास जाने के लिए कुछ कारण खोजना पड़े। तो प्रातःकाल प्रिया जी का मन बिल्कुल खराब, मन लग नहीं रहा, प्यारी श्याम सुंदर की याद कर रही है, घर के कार्य में मन नहीं लग रहा है, रात दिन चिंतन है प्रिया जी को श्याम सुंदर का, मन बिल्कुल उच्चाटन हो गया है। उच्चाटन क्यों हुआ है, कमल नयन को देखने के लिए, प्यारे श्याम सुंदर को देखना चाहते। अब क्या करें, तो वास्तु पूजन के लिए पुष्प चाहिए, तो वास्तु पूजन के लिए पुष्प चयन करने के बहाने जल लाने के लिए प्रिया जी जमुना जी के तट पर चलते। जमुना तीरवती प्रदेशों में प्रवेश की, जहां पर प्यारे श्याम सुंदर का अंग गंध उस वायु में मिलित था, अंग गंध प्राप्त करने के लिए प्रिया जी इधर उधर घूमने लगी। उसी समय श्याम रिंग भी उसी वन में बंसी वादन कर रहे थे और श्याम सुंदर के श्री अंग से दिव्य सुगंध निकल रहा था, तो दिव्य गंध का अन्वेषण करते हुए प्रिया जी चल दी थी और पुष्प चयन करने लगी। श्याम सुंदर प्रिया जी को देखे, प्रिया जी को देख कर ही श्याम सुंदर का मन प्रिया जी के श्री अंग पर पड़ा, प्रिया जी वहां से चल गई, श्याम सुंदर को देख करके चल देती। श्याम सुंदर प्रिया जी का पुनः अन्वेषण करते करते कुंज में चले, जहां प्रिया जी बैठी हुई थी, वहां पर जाने के बाद कुसुम चयन कर वन की, देखिए वन की जो सौंदर्य है शोभा है, ये वन से शोभा नहीं है, वन में यदि श्याम सुंदर ना हो प्रिया जी ना हो तो वन की सौंदर्य नहीं, वन का सौंदर्य श्री कृष्ण से ही बढ़ता है और श्री कृष्ण से वन की शोभा होती है और प्रिया जी से वन की, प्रियालाल से ही वन की शोभा है। तो प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के रूप माधुरी का अवगाहन की, कितना सुंदर प्यारे श्याम सुंदर अपने ललाट पर तिलक धारण किए हैं,
श्रीमती किशोर श्रीजीव श्याम सुंदर को देख करके अपने नेत्र को नीचे की। ये प्रिया जी कौन है? भामिनी है। भामिनी का अर्थ होता है तेजस्विनी, तेज पूर्ण। प्रिया जी श्याम सुंदर प्रिया जी को देख रहे हैं। श्याम जब प्रिया जी देखे कि श्याम सुंदर हमें देख रहे हैं तो अपने नील वसन से अपने श्री अंग को ढक ली। कैसी अपूर्व भंगिमा है, अपने श्री अंग को ढकते समय ऐसी तिरछी नजर से प्यारी जो देखती हैं कि प्यारे श्याम सुंदर घबरा जाते हैं और जाकर के मल्लिका वृक्ष के नीचे प्रिया जी छिप जाती। प्यारे श्याम सुंदर भी वहां आ गए और आने के बाद प्यारे श्याम सुंदर कहने लगे। श्याम सुंदर कहते हैं कि तुम रोज रोज फूल तोड़ने के लिए, हम प्रायः प्रत्येक दिन देखते थे कि ये फूल कौन तोड़ ले जाता है, लेकिन आज चोर पता चल गया कौन तोड़ रहा है। नित्य ही फूल तुम चोरी करती हो, कौन हो तुम? निष्ठुरता के समान कोमल अंकुरों को तोड़कर वन को नष्ट क्यों करती रहती? प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी से कुछ बात करना चाहते हैं तो ऐसे तो बात करेंगे नहीं, कुछ माध्यम से ही बात करेंगे, तो कहेंगे तुम कौन? तब स्वामिनी जी कहती हैं, प्रिया जी कह रही हैं कि सदात्र चिनुमः, मैं प्रतिदिन यहां पुष्प चयन करने के लिए आती हूं। वयम ही निरता है। प्रिया जी कहती हैं कि हम लोग सुव्रती, हम लोग देवोपासक हैं, हम हमारे इष्ट सूर्य देवता हैं, उनकी हम आराधना करती हूँ और सूर्य के पूजन के लिए नित्य प्रति पुष्प चयन करती रहती हूँ। नित्य आसी आसी तुली फूल राशि। प्रिया जी कहती है कि प्रत्येक दिन मैं इस कुसुम वाटिका में आती हूँ और आ करके सूर्य पूजन के लिए पुष्प चयन करती हूँ, लेकिन आज तक तो हमको कोई पुरुष नहीं मिला जो ऐसा कटु शब्द बोले। वास्तव में तुम ही बताओ तुम कौन हो, और देखने में तुम इतना मधुर इतने सुंदर लगते हो, इतना कठोर भाषण क्यों बोल रहे हो? ये तुम्हारे योग्य वाणी नहीं है, लगता है तुम धूर्त राज हो, तुमको किसी से भय नहीं है, कठोर वचन बोलने से भी तुमको कष्ट नहीं होता है, तुम बताओ कौन? प्रिया जी की वाणी को सुन करके प्यारे श्याम सुंदर कहने लगे कि हमको भी बड़ा आश्चर्य लगता है कि तुम लोग कुल नायिका हो, कुल की मर्यादा को धारण करने वाली हो, और रात वो भी कानन के बीच में अकेले आती हो, तुझको कोई भय और लज्जा नहीं आती? मैं देखता हूँ अकेले इस घनघोर जंगल में पुष्प चयन कर रही हो, कुल का तुझे डर नहीं लज्जा नहीं? प्रतिदिन आती, मैं तो सोचा आज ही आई हो तुम, प्रतिदिन आती हो, प्रतिदिन आसी, और यहाँ का रक्षक मैं हूँ, यहाँ का राजा कौन है? तो कंदर्पराज, मैं उसका सेवक हूँ। आ तुम पुष्प को तोड़ती हो, फूल चोरी करती हो आके, तुम ही बताओ, अब तो तुम पकड़ में आ गई हो, तुम अब भाग सकती नहीं, तुम अब कहीं जा नहीं सकती। प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी को अब कहते हैं कि अब तुम सत्य सत्य बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या करना चाहती हो, हमारे पुष्प को क्यों चयन करती हो, यहाँ का मैं सेवक हूँ। तो स्वामिनी जी कहती हैं, जानती हूँ मैं तुम कौन हो, तुम धूर्त हो और हम लोग सूर्य की उपासिका है, इस वन में नित्य चयन करती हैं, इस वृंदावन के अंदर किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, ये हमारी सखी वृंदा की, ये वृंदा यहाँ की मालकिन है, इसमें पुरुषों का प्रवेश नहीं है, पुरुषों के लिए अगम्य स्थान है, आज तक किसी ने हमको निषेध नहीं किया है, तुम ही बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा बात करने के तरीका से लगता है कि तुम धूर्त हो। सुकोमल स्वामिनी भूसे में तथा त्यक्त स्वभाव अर्थात कठोर भाषण कर रही है, थोड़ा
श्याम सुंदर कहते हैं देखो यह वन कामदेव का है, अब मुझ पर वन की रक्षा का भार दे दिया है। राजा बड़ा नृशंस है, बड़ा कठोर राजा है, और उसका धन तुम लोग चुरा लेती हो, ये बड़ा भारी अन्याय करती है। स्वामी जी कहती हैं कि यहाँ कंदर्प नाम का कोई नहीं है, हम जानती हैं तुम्हारा चर्चा पूरे ब्रजमंडल में होती रहती है, तुम ब्रज में कौन ऐसा व्यक्ति है कि तुझको पहचान न पावे, हम सब तुझको जानती हैं। इस प्रकार जब प्यारे श्याम सुंदर से प्रिया जी बोलती है तो प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं कि तुम पुष्प ही नहीं चयन करती, तुम इस उपवन का, इस वन का, इस वृंदावन के सारे सौंदर्य को भी हरण करने वाली, तुम वृंदावन के सौंदर्य को हरण करके यहाँ पर आई। और तुम देखो, प्रिया जी कहती हैं कि मैं क्या चुराया है, तो श्याम सुंदर कहते तुम ही बताओ क्या नहीं चुराई हो, सब कुछ तो तुमने चुरा ली। और प्रिया जी के एक एक अंगों का वर्णन प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं, करते हैं और करके कहते हैं देखो तुमने इससे इसको चुराया है, अर्थात अभी देखो ये वृंदावन है, तुम्हारे हाथ का जो करतल है और पैर का जो तलवे हैं इससे तुम कमल रूपी प्रजा के सौंदर्य को चुरा ली, अर्थात तुम्हारा एक बार करतल का दर्शन कर ले और पैर के तलवे को देख ले तो अब कमल के फूल को नहीं देखेगा, तुम्हारा हाथ ने, तुम्हारे पैर ने इस वन के सबसे सौंदर्य पुष्प है उस पुष्प के शोभा को चुरा दिया। प्रिया जी फिर वो श्याम सुंदर कहते हैं केवल तुम फूल ही नहीं चुराई है, तुम अपनी मतवाली चाल से मत गजेंद्र के चाल को चुरा लिया है, अर्थात तुम्हारे इस मतवाली चाल को कोई देख ले तो मत गजेंद्र के चाल को देखना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि चाल की नहीं जब तुम मंथर गति से चलती हो तो लगता है कि राजहंस के चाल को भी तुमने चुरा ली। तुम्हारा जो जांग है ये स्वर्ण कदली के और हाथी सावक के सूंड के सौंदर्य को चुरा लिया है, देखो तुम ये सब अकेले केवल पुष्प ही नहीं चयन कर रही हो, तुम वृंदावन के जितने सौंदर्य है वो समस्त सौंदर्यों को चुरा कर लेते जा रही हो, तुम बड़ी गलत। तुम्हारा जानू द्वय स्वर्ण के कटोरा को चुरा लिया है इस जंगल के, तुम्हारा जो नखचंद्र है ये मणिमय दर्पण है उसको भी चुरा लिया है, तुम्हारे नखचंद्र ही मणिमय दर्पण है, तुम्हारा जो नितंब है कंदर्प के रथ के पहिए को चुरा लिया है। देखिए पूरा श्याम सुंदर ने वृंदावन के साम्राज्य को, जो रसघन रसमूर्ति वृंदावन धाम है जिसकी अप्राकृत वैभव है, यह सब वैभव प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं कि प्रिया जी तुम ही, तो तेरे अतिरिक्त वृंदावन का कोई सौंदर्य नहीं, तुम्हारे नितंब के ऊपर जो वस्तु है वो यज्ञ का वेदी को चुरा लिया, तुम्हारा छीण कटी, तो तुम्हारी जो छीण कटी है कमर वाली पतली कमर ये सिंह के कटी को चुरा लिया, तुम्हारा नाभि अमृत कुंड को चुरा लिया, अर्थात एक बार तुम्हारी नाभि का जो दर्शन कर ले तो अमृत कुंड के प्रभा को हतप्रभ कर देता है, तुम्हारा जो वक्षस्थल है ये पीपल के पत्ते और तांबूल के पत्ते के सौंदर्य को हरण कर लिया, तुम्हारा जो उदर है उदर में रोमावली है वे काली नागिन की तरह है, अर्थात काली नागिन के सौंदर्य को चुरा लिया है तुम्हारा है। तुम्हारा करतल केवल कमल के फूल के सौंदर्य को ही नहीं चुराया है, यहाँ तक कि तुम्हारा करतल अशोक और अशोक के पल्लवों के लालित्य जो लालिमा है उसको भी चुरा लिया है, तुम्हारा भुज जुगल
कमल के मृणाल सुंदर उसको चुरा लिया है, उसके सौंदर्य को नष्ट कर दिया है। तुम्हारी जो दशम पंक्ति है, दांत की जो पंक्ति है, ये मुक्ता के कांति को नष्ट कर दिया है। तुम्हारा जो नाक है प्रिया जी का, जो नेत्र है, ये सुख के नेत्र, सुख तुम्हारा जो नाक है सुख के नाक को नष्ट, चोंच को भी नष्ट कर दिया है। तुम्हारी अंग कांति विद्युत, जो घन में बादल में बिजली चमकती है, वो बिजली के चमकने वाली सौंदर्य को भी नष्ट कर दिया है। यहाँ तक कहते हैं कि तुम्हारी जो केश, केश पास है, काला काला घुंघराला जो केश है, ये केश भ्रमर आदि के शोभा को नष्ट कर दिया है। तुम्हारा नयन कजरारी नयन और तुम्हारा चपल नयन, तुम्हारा प्रिया जी के चार प्रकार के नेत्र हैं, तो एक नयन ने कजरारे नयन ने भ्रमर को, चपल नयन ने खंजी पक्षी को, और तुम्हारी नयन की सुषमा मृग नयनी मृग के नयन को, और तुम्हारा जो पिपासित नेत्र है ये चकोरियों के नेत्र के सौंदर्य को हरण करेंगे। तुम आकर केवल पुष्प ही नहीं चयन करती हो, बल्कि वृंदावन के सारे सौंदर्य को चुरा करके ले जा रही हो। तुम्हारे मुख से जो मधुर बाणी निकलती है, एक बार तुम्हारी बाणी को यदि कोई सुन ले तो अब कोयल के पंचम स्वर सुनने की स्प्रिया नहीं करता, इतना सुंदर तुम बोलती हो। तुम जब नृत्य करती हो, तुम्हारा कथा गानम नाट्यम, जो कथा बोलती है तो संगीत जैसा लगता है बोलती है, और जब तुम कहीं चलती है तो लगता है नृत्य कर रही हो, तो तुम्हारे चाल को देख कर लगता है कि मयूर का नृत्य भी फेल हो गया, ऐसी तुम्हारी चाल है। तुम्हारा अधर बिंबा फल जवा पुष्प इत्यादि सौंदर्य को नष्ट कर दिया है। तुम्हारा केश कैसा है तो चामरी गाय के पूंछ गो पूंछ को भी हटा दिया है, नष्ट कर दिया है उसके सौंदर्य को, ऐसी तुम्हारी एक केश पास है। और एक बार तुम्हारे भौं को जो देखा है, ये भौं कैसा है आपका, कि अब कामदेव अपना धनुष फेंक दिया तुम्हारे भौं को देख कर, तुम्हारे भौं के आगे कामदेव का धनुष अब काम नहीं करेगा। हाँ, दंत पंक्ति कैसा है तो लाल लाल थोड़ा सा पान चबाई हुई जो लालिमा युक्त जो इनकी दंत पंक्ति है वो अनार की बीज की तरह है। और ये कंठ, प्रिया जी का कंठ कैसा है देखने में तो कम कुकंठ, शंख के जैसे तीन धार वाला आपका कंठ है। इस प्रकार प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी से कहते हैं कि हे प्रिया जी, आप पुष्प चयन करती कोई बात नहीं, आप जब से आई हैं आपको यदि कोई एक बार देख लिया तो वृंदावन के सौंदर्य उसको आकर्षित कर नहीं पाएगा, कि सारा सौंदर्य को चुरा करके अपने अंग में लेकर चली जाती। अब मैं इसका अन्वेषण करूंगा। स्वामी जी कहती हैं, श्याम सुंदर कहते हैं कि तुम जहां जहां पुष्प चयन की है उस सब का अन्वेषण करूंगा, कितना तुम फूल चुराएगा। कृष्ण कहंत कहते हैं पद्यावली में एक श्लोक श्रील रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। श्याम सुंदर कहते हैं कौन इस घनघोर जंगल में पुष्प को चयन करने चोरी करने वाला कौन है, तो राधा रानी कहती कोई नहीं, कोई यहां नहीं आया। श्याम सुंदर कहते हैं दोबारा तुम कौन हो, प्रिया जी कहती मैं हूं। तो कृष्ण कहते हैं कौन तुम, तो राधा रानी कहती क्या तुम हमको नहीं जानते हो, तो कृष्ण कहते हैं नहीं हम तुझको नहीं जानते। तब राधा रानी यदि कहती है यदि तुम नहीं जानते हो तो तुम चले जाओ, अब बात करने की क्या जरूरत, तुम चले जाओ, तुम कृष्ण भ्रमर हो, भ्रमरी के पास चले जाओ। तो प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं
कि भ्रमरी कौन है जो पुष्प का चयन करे, पुष्प का रस ले, तो तुम भ्रमरी हो, तो तुम्हारे आदेशानुसार मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। तुम कहती हो भ्रमरी के पास चले जाओ, तो पता चल गया है कि मुझको कहाँ चलना है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर प्रिया जी कहती है तुम यहाँ आकर क्या करो, तो मैं ये परीक्षा लूंगा, ये खोजूंगा कि तुम पुष्प कहाँ कहाँ चुराए। राधा रानी श्याम सुंदर कहते हैं तुम बक्षोज में हमारे अनेक पुष्पों को चयन की हो, तुम अपने चोटी में बेला चमेली का पुष्प चयन की हो, कि सब अंगों में जहाँ जहाँ पुष्प रखी हो सब पर पुष्प का मैं अन्वेषण करूँ। प्रिया जी कहती हैं कि देखो हमारा पति हमेशा हम पर शंका करता रहता है, हमारी सास और हमारी ननद भी हमारे पीछे पड़ी रहती है, और तुम भी यदि हमको कलंकित करोगे तो हम कहाँ जाएंगे। प्रिया जी जब कहती है इस प्रकार, हमारा सास ननद और हमारा पति हमेशा कटु वचन बोलते हैं। प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के बात को सुन करके कहे कि यह काम कहने से हम छोड़ेंगे नहीं, तुम चोर हो, तुम्हारा हम परीक्षा लेंगे, कहाँ कहाँ चोरी करेगा। ललिता सखी कहती है कि चिंता मत करो, प्रियालाल वो पुष्प चयन पुष्प खोजने के बहाने निभृत निकुंज में प्रवेश करते हैं, और सखियाँ कुंज रंध्र से उस विहार का दर्शन करती हैं। इसी रस का आस्वादन यहाँ पर श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कहते हैं कि हे कुटिले, हे रसवती गोपियों के साथ विहार करने वाली प्रियाजू, जब आप रस निष्पत्ति के लिए पुष्प चयन के बहाने प्यारे श्याम सुंदर के पास जाएंगी और आप कलह करेंगी, झगड़ा करेंगी, और उस झगड़ा में जो रस की निष्पत्ति होगी उस रस का श्रवण मैं कब करूँगा। हा देवी राधिके कबे हेन दिव दिन, हा देवी राधिके कबे हेन दिन होगे, ऐसा सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा। अतिशय सुचतुरा रस कुटिला भरा, अतिशय सुचतुरा ब्रज सुंदरियों के साथ आप सुवेष्टित होकर के चारों तरफ घिर करके कुसुमित वृंदावन है, पुष्प से लदे हुए जो वृंदावन है, बसंत ऋतु के कारण जो वृंदावन का सौंदर्य बढ़ गया है, नए नए पुष्प जो निकल रहे हैं, तो प्राणनाथ कृष्ण सने कुसुम चयन खेला छले, कपट कलह करी निज भाव परिहरी, रोष भरे जावे दूर चले, सेई भाव लीला भरी जीवन सफल करी, हेरी वो कबे गो ये नए नया। प्यारी जो अपने रसवती सखियों के साथ वृंदावन में प्रवेश करके पुष्प तोड़ने के बहाने प्यारे श्याम सुंदर से के साथ जो रस केली करेंगी, जो कुटिल चर्चा करेंगी, कपट कलह करें, लक्ष्य कलह नहीं है, लक्ष्य प्रेम की निष्पत्ति है।